आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं। होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए। हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र गोरेगांव। सिद्धू अंदर जाके खेलो ना, कितना तंग करते हो। आ गए आप, बहुत पंक्चुअल है। हेलो पक्या, कैसे हो पक्या? मैडम मैडम। हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ, सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूँगी। और गमले के नीचे कैसे? मैडम मैडम क्या हुआ? मैडम आप ये सामान किसके लिए मंगवाती हैं? आपका बेटा तो मर चुका है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, अपनी हालत तो देखो, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बताओ नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे हस्बैंड की अचानक एक्सीडेंट में मौत हुई। मेरे पास मेरे जीने की एक ही वजह थी और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि उसे उसे कैंसर था। सिद्धू ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है, इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रांग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था, लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है। अपने बच्चे के असली कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैंने सैफरन कंपनी के ऊपर केस कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि सैफरन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से बच्चे को कैंसर हुआ है? स्कूल में कुछ गलत खाया होगा, या खाने पीने में प्लास्टिक का इस्तेमाल करता होगा, या फिर हो सकता है आपकी सिंथेटिक साड़ी की वजह से हुआ हो। सबूत ना होने से कोर्ट ने मेरा केस डिसमिस कर दिया। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद सबूत इकट्ठा करूंगी। फिर मैं भी सैफरन के ही प्रोडक्ट्स खाने लगी, वही जहर जिसे खाके मेरे बेटे को कैंसर हुआ था। मैं सैफरन के प्रोडक्ट्स का पर्दाफाश करके रहूंगी। अपने ब्लड सेल्स में होने वाले बदलाव को मैं पूरी तरह से ट्रैक कर रही हूँ, पर इसके रिजल्ट्स आने में 4 महीने तो लग जाएंगे। शायद तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूं। और इसीलिए 24 घंटे मुझ पर नजर रखने के लिए मैंने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सैफरन के प्रोडक्ट्स एक स्टोर से होम डिलीवरी करवा रही हूँ। आज पहला दिन। ये लो मैडम, चेक करो। आ,
पहला दिन। अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाथरूम में खाना नहीं है, पर किसी को शक ना हो इसलिए बाथरूम में भी कैमरे लगवाए हैं। क्या ये सबूत काफी होंगे? मैडम, मैं एक गली का गुंडा था। मैडम, मैंने बहुत से खून होते हुए देखे हैं, लेकिन आपका इस तरह खुद को मारना मैं नहीं देख सकता। मैडम, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पक्या नहीं रहा। कैसा समाज है हमारा कि एक माँ के हाथों अपने बच्चों की हत्या करवा रहा है। हर दिन अपने हाथों से उसे जहर खिला रही थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने बच्चे को सबसे हेल्दी और बेहतरीन चीजें खिला रही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी भी ऐसा करे तो किस पर विश्वास करें? सैफरन कंपनी को एक्सपोज किए बिना मैं नहीं मरूंगी। मैं मानता है कि आपके दुख को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन आपको यह जहर रोज खाने को नहीं देगा। आप जैसी हिम्मत वाली औरतों की दुनिया को जरूरत है। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सर, पकिया के बारे में मैं कस्तूरी से बात करने गया था। क्या कह रहे हो? पहले मुझसे बात करना चाहिए था ना। मतलब आईती है सर, उसके मासूम बच्चे की मौत की वजह हमारे प्रोडक्ट ही है, और यह बात साबित करने के लिए वो रोज हमारा प्रोडक्ट खाकर अपनी जान जोखिम में डाल रही है। और तो और उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जयराम, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। उसकी हालत बहुत खराब है, किडनी वगैरह भी जवाब दे चुके हैं सर। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी कंपनी में काम करके अफसोस हो रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में कस्तूरी की मदद करनी होगी हमें। इस कंपनी को कोर्ट में ले जाएंगे। वो भी यही बोल रही थी सर, पर मैं जड़ से इलाज करना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कैसे? सर, मेरे को जब किसी ने हत्यारा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर हम मजदूरों को एहसास दिलाएं कि कस्तूरी के बच्चे के मौत के जिम्मेदार वो है, तो उनको भी बुरा लगेगा और वो कंपनी के खिलाफ बगावत कर डालेंगे। सर, आखिर ये जहर बनाने और बांटने का घिनौना काम मजदूरों के हाथों से तो करवाते। मजदूरी बदलाव की पहली सीढ़ी है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? लगता है मजदूर बदलेगा? मजदूर इसमें हमारा साथ देगा? वो बोलेगा कि नहीं सर, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तब क्या करेगा तू? अगर गलती से दो तीन मान भी गए तो उससे प्रोडक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। बेवकूफी है, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। सर, पहले भी ऐसे ही मुद्दे पर अपना डिस्कशन हुआ है, जब आपने मुझसे पूछा था कि जो लोग टीवी नहीं देखते उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। मैं बोला मुमकिन नहीं, पर आपने मुस्कुराते हुए मेरे को देखा और बोला कि मार्केटिंग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सर, जब मार्केटिंग से लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं तो उन तक अपनी तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। अपनी फालतू की बकवास बंद करो। ये उस औरत का वहम है कि हमारा प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे साथ रहकर भी तू मार्केटिंग नहीं सीख पाया। मुझे उस कस्तूरी से सारे वीडियोस ला कर दो। एंड ऑफ डिस्कशन, गेट आउट। चल तो है।